Welcome to Learning Express. Fun stories for curious minds. Let's dive in. जंगल की बादशाही में हर चीज दिखावट नहीं होती है। भरोसा सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि कर्मों में पाया जाता है। और समझ तो झूठी चादर को उठाने में होती है। अगर आपने छूचे की कहानी नहीं देखी है तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऊपर राइट हैंड साइड में आई बटन पर क्लिक करके इस कहानी को आप लोग देख सकते हैं। और मेरी और लर्निंग एक्सप्रेस चैनल की तरफ से ये गुजारिश है कि हमारी सभी कहानियों को पूरा जरूर देखा करें। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे छूचे ने अपने दिमाग से पूरे जंगल की जान बचाकर हीरो बन जाता है और शेर खान को जंगल के पुराने कुएं में छोड़ आता है। इस खरगोश की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। लोगों के दिलों से शेर खान का डर निकल जाता है और जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। फिर कुछ दिन तक शेर खान उसी कुएं में रह जाता है। उसमें ना खाने को मिलता है और ना ही पीने को पानी। शेर खान उसमें पड़े पड़े कमजोर हो चुका था। कई दिन गुजरने के बाद उस कुंवे से जैसे तैसे बाहर निकला और वो उस जंगल को छोड़कर दूर पहाड़ी के इलाके के एक गुफा में छिप कर रहने लगा। शेर खान इतना कमजोर हो चुका था कि वो अपने पेट के लिए शिकार भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुदरत का ये कानून है कि जीने के लिए तो शिकार करना जरूरी है, नहीं तो अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना न भूले। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जंगल के करीब चट्टानों से गहरी एक वादी में एक बहुत बड़ा और शानदार पहाड़ मौजूद है। उस पहाड़ी इलाके के एक गुफा में खान नाम का शेर रहता था। वहां वो कुछ दिनों से चुपके से आकर रहने लगा। वो कमजोर और बीमार भी हो चुका था, खाने के लिए शिकार नहीं कर पा रहा था। उसकी कमजोरी की वजह से उसके पैर भी जवाब दे रहे थे। उसकी पहले जैसी ताकत अब कमजोर हो गई। उसके तेज दांत में काटने की शक्ति कम हो गई है। वो पहले जैसे शिकार नहीं कर सकता था। भूख उसको और भी कमजोर करने लगी थी। अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए शेर खान अपनी आप पर सोचने लगा। उसने समझ लिया कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो वो बहुत जल्द ही भूख से मर जाएगा। उसने इस मुसीबत का हल तलाश करने के लिए उसने एक चालाक योजना बनाई जिससे खाना बिना शिकार किए उसके पास आ जाए। शेर खान ने समझा कि सभी जानवर चालाक नहीं थे, जैसे कि शेर खान खुद चालाक था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चालाक लोमड़ी शेर खान के पास आई और शेर खान की सेहत की जांच की। राजा साहब, आप कैसे हैं? लोमड़ी ने पूछा। शेर खान की आंखें चालाकी से चमक रही थी। शेर खान ने भरी सांस ली और जवाब दिया, मैं अच्छा नहीं हूँ। लोमड़ी मेरी ताकत कम हो रही है और मुझे डर है और समय तक जिंदा नहीं रह सकता। मेरी तकलीफ को समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लोमड़ी बड़े ही गमगीन और अफसोस से अपना सर हिलाया। राजा साहब, आपकी गुफा में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी गुफा में काफी अंधेरा है। लोमड़ी जी, क्यों ना आप अंदर गुफा में ही आकर देख सकते हैं। लोमड़ी शेर खान के शब्दों पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए सावधानी से गुफा में दाखिल हुई। गुफा के अंदर शेर खान आराम से लेटा हुआ था, अपनी शिकार का इंतजार कर रहा था। लोमड़ी जो जंप करने में माहिर थी, अंधेरे में खतरे को महसूस करते हुए खतरे से बचने के लिए बाहर उछली। शेर खान की धोखाधड़ी को समझते हुए लोमड़ी उस गुफा से भाग गई। कभी भी शेर खान की योजना पर भरोसा न करने की कसम ली। उस दिन के बाद से लोमड़ी जंगल के राजा की चालाकियों के खिलाफ दूरी बनाए रखी, जानते हुए कि जंगल के राज्य में हर चीज दिखावट नहीं होती। शेर और चालाक लोमड़ी की कहानी हमें धोखेबाज इरादों के सामने बचने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का संदेश देती है और हमें ये याद दिलाती ही कि भरोसा सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि कर्मों में पाया जाता है और समझ झूठी दिखावट की चादर को उठाने में होती है।